नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा पांचवी के गणित में पार्ट दो संख्या ज्ञान का प्रश्न संग्रह पांच करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह पांच। ये है प्रश्न संग्रह पांच, उसमें से पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के अधोरेखित अंकों के स्थानीय मान लिखो। यहाँ पे जो अंक दिया गया है 78,95,210, उसमें से 7 का स्थानीय मान लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का स्थानीय मान बराबर 7, ये इतना लिख दो, गुणे 1, ये लिख लो। अब यहाँ पे क्या करोगे, गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या करोगे 6 जीरो बढ़ा दिया, 4, 5, 6। अब 7 में इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये आ गया 6 जीरो, ये हो गया 6 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 70 लाख। मतलब 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 70 लाख। इसी तरीके से करना था, अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 14,95,210, उसमें से 4 का स्थानीय मान बताना है। यहाँ पे लिखोगे 4 का स्थानीय मान बराबर, क्या लिखना पड़ेगा, 4 गुणे 1। अब यहाँ पे देखो 4 को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना, इसको 5 जीरो बना, ये हो जाएगा 4, और ये आ गया हमारा 5 जीरो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 लाख। तो 4 का स्थानीय मान कितना आया 4 लाख। तीसरे में क्या दिया गया, 352,749, तो यहाँ पे देखो किसका स्थानीय मान पूछा है, 5 का स्थानीय मान पूछा है, यहाँ पे लिखोगे 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणे 1। अब यहाँ पे देखो फिर से गिनो 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ करके, 5 के बाद में क्या है 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, तो यहाँ पे कर दो 4 जीरो। अब हम यहाँ पे 5 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50,000, इसका मतलब हो गया 5 का स्थानीय मान 50,000 होगा। अब अगला करते हैं, इसमें क्या दिया गया, 0 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे लिखोगे 0 का स्थानीय मान बराबर, अभी ये जीरो है तो जीरो में, तो जीरो के बाहर में, जीरो के इस साइड में, दाहिनी साइड में तो एक भी अंक नहीं है, तो ये जीरो का जीरो ही आएगा। अब अगला करते हैं, इसमें क्या दिया गया, 89,99,988, तो हमको किसका स्थानीय मान पूछा है, हमको 9 का स्थानीय मान पूछा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्थानीय मान बराबर 9 गुणे 1। अब यहाँ पे गिनो 1, 2, 3, 4, 4 है 1, 2, 3, 4, अब इसका गुणा कर दो, यहाँ पे 9 एक कम 9 और 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो का मतलब ये कितना आ गया 90,000, तो 9 का स्थानीय मान कितना आएगा 90,000। अब अगला करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याएं विस्तारित रूप में लिखो। अब यहाँ पे इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है, तो ये पहले में क्या दिया गया है, 56,43,215, तो 56 में पहले क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे पहला अंक क्या आया है 5 आया है, तो ये 5 लिखा और यहाँ पे गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जीरो बढ़ा दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अब क्या है, दूसरा नंबर क्या है 6 है ना, तो 6 लिख दिया, अब 6 को छोड़ दो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 0 बढ़ा दो 1, 2, 3, 4, 5 प्लस, अब क्या है 4 है, यहाँ पे आ गया है 4, उसके बाद में कितना अंक है 1, 2, 3, 4, 4 अंक है तो 4 जीरो 1, 2, 3, 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 लिखा, 3 को छोड़ करके अब कितना अंक बचा है 1, 2, 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3 प्लस, अब क्या लेना है 2 लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 को छोड़ करके कितना अंक बचा है 2 अंक बचा है, तो ये हो जाएगा 1, 2 प्लस,
अब यहाँ पे क्या है, एक है, ये आ गया एक। एक को छोड़ करके अब कितना अंक बचा है, एक ही अंक है तो एक जीरो आ जाएगा, प्लस लास्ट में क्या बचा है, पांच। ये हो गया हमारा विस्तारित रूप, इसी तरीके से करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 70,815 दिया गया है, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, सबसे पहले सात का लिखेंगे, फिर कितना जीरो आएगा, एक दो तीन अंक, जितना अंक उतना जीरो, तो यहाँ पे चार जीरो हो गया, प्लस ये जो जीरो दिया गया है, तो जीरो का आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जीरो यहाँ पे लिखा, फिर कितना जीरो आएगा, तीन जीरो आएगा, एक दो तीन, प्लस अब क्या है, आठ है, यहाँ पे आठ लिखा और कितना अंक बच रहा है, दो अंक बच रहा है, तो ये हो जाएगा दो जीरो, प्लस यहाँ पे फिर क्या आएगा, एक आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक है, एक के बाद में कितना जीरो लगाऊं, कितना अंक है, कितना अंक है, एक अंक है, तो हम एक जीरो लगाएंगे, प्लस ये आ गया हमारा पांच। इसी तरीके से करना है। अब तीसरे में क्या दिया गया, 835,999, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आठ लिखेंगे, आठ के बाद में कितना जीरो आएगा, एक दो तीन चार पांच, पांच जीरो आएगा, एक दो तीन चार पांच। उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में है तीन, जब तीन दिया गया है तो तीन के बाद में कितना अंक है, एक दो तीन चार, चार अंक है, तो चार जीरो, प्लस फिर क्या आएगा, पांच, तो यहाँ पे आ गया पांच। अब कितना जीरो लगेगा, एक दो तीन जीरो लगेगा, प्लस अब यहाँ पे है नौ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नौ, नौ के बाद में कितना अंक है, दो अंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो जीरो, फिर प्लस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नौ, ये वाला नौ, हाँ, नौ के बाद में कितना अंक है, जीरो, एक ही अंक है, तो यहाँ पे लास्ट में बचेगा नौ। इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 888,889, तो ये पहले हम आठ लेते हैं, आठ लिया, तो उसके बाद में कितना अंक है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, प्लस अब ये वाला आठ लो, ये वाला आठ ले लिया, अब इसको छोड़ करके कितना है, एक दो तीन चार, यहाँ पे आ गया एक दो तीन चार, प्लस अब यहाँ पे कितना दिया गया, ये भी आठ है, आठ है, और कितना अंक आएगा, कितना है, एक दो तीन, मतलब तीन जीरो आएगा, एक दो तीन, प्लस अब ये भी आठ है, तो यहाँ पे फिर से आठ लिखो, अब उसके बाद में दो अंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो जीरो हो जाएगा, प्लस फिर से यहाँ पे आठ लिखा, ये आठ लिख करके कितना अंक बचा है, एक अंक है, एक जीरो आएगा, प्लस ये आ गया नौ। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे दिया गया 92,32,992, तो ये पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे, नौ लिख करके कितना अंक है, एक दो तीन चार पाँच छ, छ अंक, एक दो तीन चार पाँच छ हो गया। अब क्या आएगा, दो आएगा, ये वाला दो आ गया, आप कितना अंक लिखोगे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच जीरो आ जाएगा, प्लस अब क्या लिखना है, तीन है, तो ये तीन को छोड़ करके एक दो तीन चार, यहाँ पे आ गया चार जीरो, एक दो तीन चार, प्लस अब यहाँ पे क्या दिया गया, दो दिया गया, यहाँ पे हमने लिखा दो, और दो के बाद में कितना अंक है, एक दो तीन, यहाँ पे आ जाएगा एक दो तीन अंक, प्लस अब ये कितना दिया गया, नौ, नौ लिख करके उसके बाद में कितना जीरो आएगा, दो जीरो आएगा क्योंकि दो अंक है, प्लस फिर से नौ लिखा, नौ के बाद में कितना अंक है, एक ही अंक है, तो एक जीरो हो जाएगा, प्लस ये आ गया दो। अगर हम इसको इस तरीके से भी देखते, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 56,43,215, ये 50 लाख, ये 6 लाख, मिलाकर 56 लाख हो गया, फिर 40,003,000, 43,000 हो गया, फिर 215 हो गया। इस तरीके से इसका विस्तारित रूप लिखना है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थान और उसका स्थानीय मान लिख, सबका स्थान लिखना है और सबका स्थानीय मान लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे देखो सबका लिखते हैं, हम लोग सबका लिखते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा स्थान और ये आ जाएगा हमारा स्थानीय मान, क्या आएगा, स्थानीय मान, कुछ इस तरीके से आपको बना करके लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अंक लिख लो, हमको किसका किसका निकालना है, तीन पांच सात जीरो और पांच, कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, सबका स्थान लिखते हैं पहले, तो ये इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका होगा इकाई, इसका क्या बनेगा,
इसका बनेगा दहाई, फिर इसका इसका सात का हो जाएगा सैकड़ा, उसके बाद में पांच का हजार, फिर तीन का क्या बनेगा दस। अब स्थानीय मान निकालें ना, तो देखो ये तीन का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तीन को छोड़ करके कितना अंक है, एक दो तीन चार, मतलब यहाँ पे चार जीरो आएगा, तो चार जीरो आ जाएगा तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30,000 बनेगा। देखो इसमें इसका गुणा करोगे तो 30,000 हो जाएगा। फिर किसका लिखना है, पांच का लिखना है, ठीक है। तो पांच में कैसे आएगा, एक अंक को छोड़ करके तीन जीरो है, इसका एक लिख करके तीन जीरो कर दोगे तो तीन जीरो किया तो एक इतना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5,000। उसके बाद में सात का लिखना है, सात को छोड़ करके कितना जीरो बनेगा हमारे पास, देखो सात को छोड़ करके दो जीरो बनेगा, इधर से भी पकड़ सकते हो, और सैकड़ा में दो जीरो होता है, सैकड़ा मतलब 100, तो सात में 100 का गुणा किया तो कितना जाएगा 700। उसके बाद में जीरो में दहाई का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, जीरो ही आएगा। फिर पांच में इकाई का गुणा किया तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसका ये स्थान हो गया और ये उसका स्थानीय मान हो गया। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, 782,899। तो इसको भी वैसे ही लिखो, सात यहाँ पे 8, फिर 2, फिर 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9। सबसे पहले क्या लिखोगे, स्थान यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लिख लो स्थानीय मान, क्या आएगा स्थानीय मान। चालू नीचे से करोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ये आ जाएगा हमारा इकाई, ये बनेगा दहाई, ये आएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार, ये आ जाएगा 10,000 और ये बना हमारा लाख। तो आप लोग यहां से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसी से करता, देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सात गुणे ये लाख है तो मतलब 1,00,000, 1,00,000 में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है, ये हो जाएगा 7,00,000, कुछ इस तरीके से। फिर 8 में किसका गुणा करोगे, 10,000 का, 10,000 में कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा, तो ये हो जाएगा 8 में 10,000 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 80,000। फिर 2 में 1,000 का गुणा करना है, 1,000 में 3 जीरो होता है तो ये हो जाएगा 2,000। फिर 8 में सैकड़ा मतलब 100 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 800। उसके बाद में 9 में दहाई है मतलब 10, 9 में 10 का गुणा करोगे तो 9 में 90, और 9 में इकाई मतलब 1 का गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, 82,74,508। इसको भी ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8, 2, 7, 4, 5, 0, 8। अब यहाँ पे लिखोगे स्थान और यहाँ पे लिखोगे स्थानीय मान, इस तरीके से करना है। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, 8 क्या आएगा इकाई, 0 क्या आएगा दहाई, 5 क्या बनेगा सैकड़ा, 4 में क्या आएगा हजार, 7 में क्या बनेगा 10,000, 2 में क्या बनेगा लाख, 8 में क्या बनेगा 10,00,000। अब इसका गुणा कर दो, 8 में 10,00,000 का गुणा करना है, 10,00,000 मतलब कितना जीरो, 6 जीरो, तो ये हो जाएगा 8 में 10,00,000 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 80,00,000, ये आया हमारा 80,00,000। फिर 2 में 1,00,000 का गुणा करना है, 1,00,000 में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है, तो ये हो जाएगा 2 में 1,00,000 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2,00,000 होगा। फिर 7 में 10,000 का गुणा करना है, 7 गुणे 10,000, 10,000 में कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है, यह जगह 10 सत्ते 70,000। उसके बाद में 4 में 1,000 का गुणा करना है तो ये 1,000 कितना हो जाएगा 4,000 बनेगा।
उसके बाद में पांच में सैकड़ा मतलब सौ का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 500। फिर जीरो में दस का गुणा करना है तो ये हो जाएगा जीरो। फिर आठ में एक का गुणा करना है तो ये हो जाएगा आठ। ये आ गया उसका स्थानीय मान। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथी प्रश्न में क्या दिया गया, संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है उसके आधार पर संख्या लिखो। मतलब यहाँ पे हमको ये जो संख्या दिया गया इसका विस्तारित रूप में दिया गया है, अब हमको उसकी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जोड़ोगे इसको, सबसे पहला वाला लिख लिया 60,000। अब ये पीछे से लिखो 0 0 4, फिर कितना है 600 है ना, तो 0 0 6, फिर कितना है 0 7, फिर कितना है 9। अब इसको जोड़ो, यह आ जाएगा 9 7 6 4 6, ये कितना बना 64,679। इसी तरीके से करना है। अब दूसरा करते हैं, सबसे पहले कितना दिया गया 9 लाख दिया है, 9 लाख लिख लिया। अब क्या दिया है 20,000 ना, तो पीछे से लिखो ये हो जाएगा 20,000। फिर 7,000 दिया है, 1 2 3, ये आ गया 7,000। सबको पीछे से लिखना है 0 0 8, फिर ये आया 5। अब इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 5, ये 0 8 7 2 9, 9,27,805। यहाँ पे लिखोगे 9,27,805। तीसरे में क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया 20 लाख, तो इसको लिख लो, ये आ गया हमारा 20 लाख। फिर 3 लाख दिया गया तो पीछे से लिखो 1 2 3, 1 2, ये आया 3 लाख। फिर 60,000 दिया गया, 1 2 3 4, 60 लाख, 60,000 हो गया। 9,000 दिया गया, 1 2 3 9, फिर 0 0 5, फिर 0 1, फिर 7। अब इसको जोड़ो, हो जाएगा 7 1 5 9 6 3 2, ये आया हमारा 23,69,517। तो यहाँ पे लिख दो 23,69,517। अब हम अगला करते हैं, इसमें क्या दिया गया 7 लाख, तो सबसे पहले 7 लाख लिख लो, ये आया हमारा 7 लाख। अब क्या दिया गया, 1 2 3 4 0 पीछे से और ये 8, फिर पीछे से 3 0 4, फिर यहाँ पे पीछे से 2 0 और 5। अब इसको जोड़ दो, 0 0 5 4 8 7, ये क्या बनेगा 7,84,500। तो यहाँ पे लिख दो 7,84,500, ये इसका आ गया। अब इसका करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं 80 लाख तो दिया गया है, ये आ गया 80 लाख। फिर पीछे से लिखो 0 0 0 0 5, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 6, और ये आया 9। इसको जोड़ दो, 9, ये 0, ये 6, ये आया 1, ये आया 5, ये आया 0, और ये आया 8। तो ये क्या बना 80,51,609। यहाँ पे आ जाएगा 80,51,609। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।